स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक इन द सेम चैप्टर विथ न्यू टॉपिक दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स हैविंग सिमिलैरिटी विथ सर्टेन डिसिमिलर फीचर्स। हम सब ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें सेम स्पीशीज में सिमिलैरिटीज होती है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब सिमिलर है, बट फिर भी ऑल आर डिफरेंट इन सम सेंस। इवन दो ट्विंस होते हैं तो वो भी आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंस कैरी करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं इसका बेसिक रीज़न होता है डीएनए। डीएनए जो कि सब सेल्स में प्रेजेंट होता है वो 99.9% जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन 0.1% उसमें वेरिएशंस मिलते हैं। तो ये जो वेरिएशन होते हैं यही हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमन बीइंग्स के वेरिएशंस के लिए एक लीगल मेथड होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक को काम में लिया जाता है, जैसे क्रिमिनल के केस में, मर्डर के केस में, पैटर्निटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। डीएनए जो होता है ये हमारे जीन्स से मिल कर के बनता है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं जीन्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन इन जीन्स के बीच में कुछ पार्ट जो होता है वो जंक रह जाता है, जो इन्फॉर्मेशंस को कैरी कर नहीं करता है। इस पार्ट को हम जंक बोलते हैं। तो ये जो जंक होता है इसके जो नंबर है, ये जो नंबर है जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, अगर अपन पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात करें, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 और 3, तो हर क्रोमोसोम में इन जंक की जो नंबर होती है ये वेरी करती है, और ये जो वेरिएशन होता है यही जो वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसके बारे में हमें सबसे पहले जो बताने वाले पर्सन थे इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड बाय फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया, जो कि आज की तारीख में भी यूज़ की जाती है, और एक तरह से इट इज़ अ सोर्स ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर। लेटर ऑन एक स्पेशल हेरिडिटरी साइंटिस्ट थे जो कि ब्रिटिशर थे और उनका नाम था डॉक्टर जेफ्रेश। उन्होंने 1984 में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी टेक्निक को डेवलप किया कि किस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जैसा कि हमने अभी देखा पैटर्निटी जैसे जो केसेस है उसको सॉल्व कर सकते हैं, देन उसमें क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होती है। वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर को इस टेक्निक की हेल्प से रिमूव किया जाता है। तो ये टेक्निक हमारे लिए डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल इस आधार पर है कि हमें पता है डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और इन न्यूक्लियोटाइड में कुछ पार्ट पर सेम सीक्वेंस का रिपीटेशन होता है, जिसे हमने जंक के नाम से जाना। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए में मिलता है हर पर्सन में वेरी करता है, दिस इज नोन एज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इसे बोला जाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब ये इसके नंबर हर ऑर्गेनिज्म में कितनी है ये वेरी करती है, और ये जो डिफरेंस है बी एन टी आर का ये दो इंडिविजुअल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में इसकी नंबर 3 हो सकती है, तो किसी में ये 4 हो सकती है, किसी में ये 5 हो सकती है। हर क्रोमोसोम में हर इंडिविजुअल में इन बी एन टी आर की नंबर सेपरेट होती है, और ये बी एन टी आर जो है ये रिपीटेड सीक्वेंस है या रिपीटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि हर डी एन ए में
मिलता है और ये वेरी करता है। तो वी एन टी आर की जो नंबर है ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनाती है या बेस बनाती है। तो अब हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं। वी विल सी व्हाट इज द मेथडोलॉजी विच इज एडॉप्टेड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज टेक्निक। इसकी टेक्निक के लिए सबसे पहले जो भी साइट होती है वहाँ से जो भी सोर्स हमें अवेलेबल होता है, वेदर इट इज़ ब्लड और हेयर और स्किन और एपिडर्मल सेल, जो भी सोर्स वहाँ पर अवेलेबल होता है उससे हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले डीएनए इज आइसोलेटेड। डीएनए को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे और उसके बाद उसका हाई डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमें इसका एक पीक मिलता है। जैसे सपोज अगर ये हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो हमें इसमें एक बड़ा पीक और एक छोटा पीक मिलता है। ये वाला जो बड़ा पीक होता है इसे बोला जाता है बल्क डीएनए। ये बल्क डीएनए जो होता है वही 99.9% जो सिमिलर होता है सारे इंडिविजुअल में, वो वाले डीएनए को शो करता है। और जो दूसरा छोटा डीएनए होता है दैट इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए, उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये जो है 0.1% वाला डीएनए जो कि वेरी करता है सारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, जो डिफरेंट होता है उसको ये शो करता है। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिनी सैटेलाइट एंड माइनर सैटेलाइट। एक्चुअली ये जो स्मॉल डीएनए होता है या सैटेलाइट डीएनए होता है ये ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है और इसमें सारे रिपीटेटिंग सीक्वेंस होते हैं। इसी में ही हमने देखा था कि जो जीन्स हैं उनमें कुछ दूरी पर रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है दे आर डिनोटेड बाय दिस सैटेलाइट डीएनए और उसमें भी स्पेशली मिनी सैटेलाइट। इट कंटेन्स रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी पार्ट को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, डीएनए इज आइसोलेटेड बाय हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। जो भी हमें सोर्स मिला है वेदर इट इज सीमेन और स्किन सेल्स और ब्लड सेल्स और हेयर, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करा और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद नाउ द डीएनए कंटेंट जो हमारे पास में आया वो बहुत कम होता है, तो हम उसका क्या करेंगे, एनहेंसमेंट करेंगे। एनहेंसमेंट का मतलब हम उसको इंक्रीज करेंगे, उस डीएनए कंटेंट का जो कंटेंट है उसको बढ़ाया जाता है। और बढ़ाने के लिए पॉलीमराइज चेन रिएक्शन काम में ली जाती है, एनहेंसमेंट बाय पीसीआर। क्योंकि जो पार्ट हमें डीएनए का मिला वो बहुत छोटा है, तो जब हम पीसीआर टेक्निक से उसका एनहेंसमेंट करेंगे तो हमारा जो डीएनए है वो बढ़ जाएगा। नाउ ये जो एनहेंस्ड डीएनए हमारे पास में आता है, अब इसको छोटे छोटे पार्ट में रैंडमली कट कर दिया जाता है सेगमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम विच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये उनको स्पेसिफिक लोकेशन पर कट कर देता है। यहाँ पर हम एक एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस एनहेंस्ड डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट कर देता है और फिर ये जो सेगमेंटेड डीएनए होता है इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और फिर इसको हम एक जेल में ट्रांसफर करते हैं। नाउ इट इज ट्रांसफर टू अ जेल विच इज नोन एज एगेरोस जेल। तो सबसे पहले डीएनए जो है उसका हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में उसके स्मॉल पीसेस हमें मिले जिसका हमने एनहेंसमेंट किया विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एनहेंसमेंट करने के बाद नाउ जो डीएनए मिलता है उसको स्पेसिफिक लोकेशन पर कट किया जाता है।
कट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। उससे क्या हुआ, हमारा जो ये डीएनए था, जो एनहेंस्ड डीएनए था, इसने इस डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट कर दिया, और कट करने के लिए हमने जो एंजाइम यूज किया दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये होता है कि एक टेक्निक है जिसमें ये जो कट डीएनए होता है उसको हम एक जेल पर ट्रांसफर करते हैं। इस जेल पर ट्रांसफर करने के बाद में डीएनए जो है वो इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाता है। डीएनए का जो मूवमेंट होता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ होती है उसका मास और दूसरी चीज़ होती है उस पर चार्ज। जितना छोटा पीस होगा, जितना मास कम होगा, वो उतनी ही फास्टली इधर मूव करेगा। तो ये डीएनए जो है वो यहाँ पे अपने मास के अकॉर्डिंग मूव करेगा। दूसरी चीज़ होती है चार्ज। तो हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। तो उस चार्ज के लिए हम इस एगेरोस जेल जो है उस पर चार्ज डेवलप करने के लिए इधर पॉजिटिव कैथोड और एनोड को लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। इसका जो मूवमेंट है वो इधर से इधर की तरफ रहेगा और डिपेंड करेगा कि वो कितने छोटे पार्ट है रिपीटेड सीक्वेंस के। नाउ हम क्या करेंगे, डीएनए को डाई करेंगे। डाई करने के लिए हम कोई भी फ्लोरेसेंट डाई जैसे एथिलीन ब्रोमाइड या दूसरी कोई भी केमिकल को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद में अभी जो हमारा डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था, तो उस डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इस जेल पर डीएनए हमें विजिबल नहीं होता है। तो विजिबल करने के लिए सबसे पहले हम उसका डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन का मतलब ये होगा कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद में हम चाहते हैं कि ये जो डीएनए इधर आया ये हमें विजिबल हो। तो विजिबल करने के लिए हम इस डीएनए को एक नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई मेम्ब्रेन पर एज इट इज ट्रांसफर कर देते हैं। इस पर ट्रांसफर करने के बाद में इसे एक प्रॉब, इस ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन है जिस पर हमने इस डीएनए को ट्रांसफर किया, इस जेल वाले पार्ट को एज इट इज ट्रांसफर किया है, अब हम इस पर प्रॉब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। प्रॉब क्या होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। द प्रॉब डीएनए सीक्वेंस आर रेडियो एक्टिव। इसको जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ में मिक्स किया जाता है, एंड इट इज़ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच आर सप्लीमेंट ऑफ वीएनटीआर सीक्वेंस। जो हमारा यहाँ पर जो डीएनए का सीक्वेंस था उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है उसको हमने रेडियो एक्टिव कर दिया और उसे प्रोब बोलते हैं, और इस प्रोब पार्ट को हमने अब इस नाइट्रोसेल्यूलोज वाले पार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था अब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ पेयरिंग करता है। इस पेयरिंग के कारण से जो डीएनए बनता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन जिस पर प्रॉब है इसको एक्स रे से विजुअलाइज किया जाता है। जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो हमें इस तरह से बैंड्स दिखाई देते हैं। इन बैंड्स को हम जो भी हमारा दूसरा डीएनए जिससे मैच करना है उसके साथ में हम कंपेयर करके और रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं या एनालाइज करते हैं। जैसे किसी क्राइम सीन पर मिलने वाला जो ब्लड सैंपल था उसका डीएनए ये था, उस पर जो बैंड मिले थे वो इस जगह पे थे और इतनी लंबाई के थे। अब जिस पर्सन पर हमें डाउट है उसके भी सेम वे से हम ये निकालेंगे, डीएनए का एक्सट्रैक्शन करके उसके बैंड्स को निकाल कर और इसके साथ में कंपेयर किया जाता है। अगर ये कंपैरिजन मैच करता है इसका मतलब वो ही क्रिमिनल है। तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से किसी भी दो पर्सन के डीएनए को मैच करते हैं और फिर एनालाइज करके हमारे रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। We will see certain applications of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting की क्या क्या application है, हम लोग कहाँ पर इसको use कर सकते हैं। सबसे पहले most important application is disputed paternity of child DNA. कोई बच्चा है और उसके parents उसे accept करने के लिए मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसके parents नहीं हैं, तो हम child का DNA parents के DNA के साथ में match करके और पता लगा सकते हैं कि if the child belongs to them or not. सबसे important चीज़। Then it is also useful in identification of criminals. किसी ने कोई भी मर्डर करा, रेप करा, कोई भी केस है उसके लिए, तो हम उस पर्सन का ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से डीएनए
एक्सट्रैक्ट करके हम उसकी फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से जिस पर्सन पर ब्लेम है उसके डीएनए के साथ में मैच करके भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. देन डीएनए ऑफ द माइग्रेंट पर्सन का कंपेयर करके भी डीएनए माइग्रेंसी को रोक सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है वो फॉरेन गया है और वहाँ पर जाने के बाद में वो अपने रिलेटिव्स को बुलाता है और बोलता है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिलेटिव उसके नहीं हैं. तो हम जो माइग्रेंट पर्सन है उसके डीएनए को जिन्हें वो अपना रिलेटिव बता रहा है उनके साथ में मैच करके निकाल सकते हैं कि ये ब्लड रिलेटिव्स है या नहीं है. क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो बच्चों में दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से आता है, तो उनका डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं मैच करेगा. तो जिस पर्सन को वो अपना ब्लड रिलेटिव बता रहा है उसको भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से मालूम कर सकते हैं कि वेदर वो एक्चुअली रिलेटिव उसके ब्लड रिलेटिव है या नहीं है. तो इस तरह से इट ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन. देन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें इवोल्यूशन का भी बहुत मालूम पड़ता है, क्योंकि इससे हम अलग अलग ग्रुप के जो मेंबर है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ को नो कर सकते हैं कि वो क्या किस तरह से किन किन चीज़ों से सिमिलैरिटी रखते हैं. तो एक तरह से हमारे इवोल्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीज एंड कंजेंशल डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी नोन विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है जिससे बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गई है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. बहुत सारे इश्यूज को रिसॉर्ट करने में ये हेल्प करती है.